नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। और आप सबको पता है कि हर परीक्षा में मुहावरे आते ही आते हैं, है ना। तो मुहावरों से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। और लगभग पिछले 20 सालों में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो हर बार हर परीक्षा में आ ही जाता है, ये मुहावरा, वो हम लोगों ने चुन कर लाए हैं आपके लिए। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है। और आज हम इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 से ज़्यादा लाइक का, ठीक है। आप लोग 2000 से ज़्यादा लाइक इस वीडियो को करेंगे, यानी सभी लोग इस वीडियो को लाइक का बटन दबा देंगे। और ये आप हिंदी की हमारी किताब भी मंगवा सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको हिंदी से संबंधित किताब अगर चाहिए कंप्लीट, जिसमें सारी चीज़ें हों, मेरे द्वारा रचित है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप है एमएसएससी नोट्स का, उसको इंस्टॉल करके, और कोई भी नया बैच अगर स्टार्ट है या इनमें से किसी भी नए बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू किया जाए, बहुत बढ़िया। तो आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वे ये है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। सभी लोगों को एकदम ध्यान पूर्वक उत्तर देते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसका उत्तर दीजिए। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है मूर्ख किंतु धनी, ठीक है। जो मूर्ख होता है लेकिन धनी होता है। देखो, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, हम लोग 4 से स्टार्ट किए हैं और 50 तक करेंगे, ठीक है। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा हो, इसका मतलब क्या है? मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ करना धरना ना पड़े, है ना, लेकिन रंग चोखा चाहिए, एकदम जबरदस्त वाला चाहिए। जैसे आप लोग को भी नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ऐसा जो चाहिए कि यार कुछ करना ना पड़े, ऐसे ही एक खुदाई करें और एक सोने का कटोरा ऐसे जिसमें सारा हीरे जवाहरात हो मिल जाए हमको, तो मजा आ जाए। है साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, ठीक। देखिए, घाट घाट का पानी पीना, इसमें क्या होता है जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस को जल्दी से पढ़ें। देखो, ज़्यादा समय चाहिए होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देना, आपका समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और डेली हमारी लाइव क्लास शाम को 9:30 चलती है हिंदी की, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ बैल मुझे मार, इसमें बताना है हमें कौन सा बनेगा। आ बैल मुझे मार, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या बनेगा कि जान बूझ कर मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। अगर हम जान बूझ कर क्या करेंगे, मुसीबत को इनविटेशन दे रहे हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ढाक के तीन पात होना। ढाक के तीन पात होना, इसका मतलब क्या होगा जल्दी से देखो, 4 ऑप्शंस हैं, फास्ट कमेंट करना है, समय चाहिए, वीडियो को रोकिए, फिर सोचिए, फिर आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। 8 में क्या मिला, स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होना, ढाक के तीन पात होना, ठीक है, यानी जैसा है वैसा ही रहना। अगला देखो, 99 के फेर में पढ़ना। अब यहाँ पर 99 के फेर में पढ़ना मतलब क्या है? धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य पर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो 9 नंबर का उत्तर क्या मिलेगा कि धन कमाने में लगा रहना, 99 के फेर में पढ़ना, ठीक है। कोयल की दलाली में, सॉरी कोयल लिखा है, कोयला होना चाहिए कि कोयले की, ठीक है, कोयले की दलाली में काले हाथ, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 10वें में कि अगर आप कोयले की दलाली में हैं तो उसमें हाथ काले होंगे ही होंगे, बोलता नहीं है, यानी कि अगर आप बुरी संगति में रहेंगे तो आपकी बदनामी तो होगी ही होगी। जैसे कि अगर आप लोग जानते ही हो कि अगर कोई क्या करता है, अगर जैसे आपसे कोई बोलता है कि भैया तुम ऐसे किसी दुष्ट दोस्त के साथ घूम रहे हो, तो आपको भी क्या माना जाता है, दुष्ट ही लोग समझ लेते हैं कि यार उसके साथ घूम रहा है, दुष्ट ही होगा, है ना। 11 नंबर देखिए, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, ठीक है, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, 4 ऑप्शंस दिख रहा है, इसका मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिल गया हमें कि एक चीज़ के पीछे पड़कर दूसरे को भी खो देना, ठीक है। हाँ, मतलब क्या है कि भाई देखो, दो चीज़ें रखी थी, एक इजीली अवेलेबल थी, एक बहुत कठिन थी, सोचे कि दूसरी वाले ले लेंगे तो मिल ही जाएगी, दूसरे चक्कर में कहते यहू चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है,
और हाँ उत्तर बहुत ध्यानपूर्वक देते चल रहे हैं सभी लोगों को, और एकदम दिमाग लगाकर सोचिए अपनी करनी पार उतरनी, इस मुहावरे का क्या मतलब निकलेगा। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न बार बार, कर्म का फल अवश्य मिलता है, अपनी करनी पार उतरनी, जब तक अपनी करोगे तब तक ही पार उतर पाओगे। अगला देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या बोला जाता है ना, तो 13 नंबर का उत्तर क्या मिल जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो एकदम सामने होता है उसके लिए हमें प्रमाण नहीं देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब बताइएगा जल्दी से, ऊँट के मुंह में जीरा, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जल्दी से देखिए और उत्तर दीजिए। 14 नंबर का उत्तर क्या मिल जाएगा हमें, इसका मतलब है कि बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना, एक प्रकार से ये होता है कि मतलब जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और उसको आप हल्का सा दे दिए, कोई आपसे कहा कि भैया 2 लाख रुपए दे दो और आपने उसको 200 रुपए दे के भेज दिया, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा के समान हो गया। 15 नंबर देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मूवीज़ में तो कई बार आपने ये डायलॉग सुना ही होगा, मतलब क्या है जल्दी से, जिसको कहीं भी कोई भी आशय न मिले, ठीक है, निष्ठ व्यक्ति को कहीं भी कोई भी आशय या आदर नहीं मिलता। यहाँ पर कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, 16 नंबर में क्या आंसर मिल गया, असंभव प्रयास करना, ठीक है। हाँ देखो, बड़ों से प्रभावित होना ये तो होगा, हृदय परिवर्तन और अंधाधुनीकरण करना ये तो हुआ नहीं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। चलिए अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग अंधानुकरण भी कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में कहीं ना कहीं अंधानुकरण भी कह सकते हैं 16 नंबर में, अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम, वैसे तो यहाँ पर ये वाला तो ठीक हो गया कि असंभव प्रयास करना, क्योंकि कौवा हंस की चाल नहीं चल पाएगा, लेकिन हाँ अंधानुकरण करना मतलब कि एकदम आँख बंद करके फॉलो करना, ठीक, ये होगा, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन नंबर बी है तो बी पे ही जाएंगे। का बरसात जब कृषि सुखाने, कृषि होगा यहाँ पर, ठीक है, का बरसा जब कृषि सुखाने, तो यहाँ पर 17 नंबर का उत्तर दीजिएगा, हाँ यही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और का बरसा जब कृषि सुखाने, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है, अब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, फिर बाद में आप कितने भी MSSC नोट्स पे आकर वीडियो देख लीजिए, अगर परीक्षाएँ दे आए हैं और अगर किसी कारणवश अगर आपका नहीं हो पाया, तो बाद में आप कितने भी वीडियो देखिए कोई मतलब नहीं है, इसलिए अभी मौका है, पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर 18, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, बहुत गरीब होना, एक साथ 2 लाभ खोना, बुरी आदत का शिकार, झूठा दिखावा करना। देखो, तन पर नहीं लगता लेकिन पान खाएंगे अलबत्ता, मतलब क्या है कि भैया कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ शो ऑफ बहुत ज़्यादा करेंगे, दिखावटीपन कि अरे हमारे पास तो फॉर्चुनरस घूमेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 18 में डी। 19 नंबर देखिए, खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब देखिए 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जल्दी से देखो और बताओ, खग जाने खग की भाषा, 19 नंबर का उत्तर क्या मिला, इसका उत्तर मिल जाएगा चालाक ही चालाक की बात समझता है, खग जाने खग की भाषा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को समझते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम इसको पहले पे ही रखेंगे। 20 नंबर, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, इसका मतलब बताइए, सभी लोगों को समझना है, हाँ भागना बिल्कुल नहीं है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जो काम करेंगे तो फल उसका वही मिलेगा, अगर आप क्या कहते हैं तैयारी SSC की कर रहे हो, ठीक है, तो IIT थोड़को ना निकलेगा तुम्हारा, है ना, तो अगर तुम तैयारी IIT की कर रहे हो तब तुम्हारा IIT निकलेगा, अगर तैयारी SSC कर रहे हो तब जाके SSC निकलेगा, अगर तुम तैयारी UPSC की कर रहे हो तब जाके UPSC निकलेगा, ठीक है, यानी बुरे काम का फल अच्छा नहीं होता, यानी यहाँ पर क्या बन गया, इसके 4 ऑप्शंस के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी पड़ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ठीक है, अपनी अपनी ढपली, अगर मान के चलो तुम्हारे ग्रुप में 10 लोग हैं, सबको एक खोक को ढोलक दे दो, ठीक है, केहू को बजावे नहीं आता है ना, किसी को बजाने नहीं आता, सब अपने अपने बजा रहे हैं, तो सब अपने अपने तरीके से, तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, इसका मतलब क्या है जल्दी से, 21 नंबर में क्या मानेंगे कि अपने अपने मन की करना, हर इंसान अपने अपने मन की करेगा, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, जल्दी से देखो,
दिल जले से याद है, दिल जले एक मूवी भी आई थी है ना। चलिए तो 22 नंबर देखिए, इसमें क्या मिला, एक को खर्चा करते देख दूसरा परेशान, तेली का तेल जले तो मसालची का दिल जले। अगर कोई सामने वाला क्या है, अगर उन्नत कर रहा है तो दो चार लोग ऐसे हो जाते हैं जो देख लेते हैं, है ना। जैसे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे कि वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा दिया जाता है ना। तो यही हो गया कि तेली का तेल जले और मसालची का दिल जले। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिख ही रहा है कि पानी, आंख का पानी एकदम ढल जाना, ठीक है। कुछ लोग अपनी उन्नति से खुश नहीं रहते हैं, दूसरे की प्रगति से दुखी रहते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। अगला देखिए, आंख का पानी ढल जाना, इसका मतलब क्या है कि बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज होना, देखने की ताकत कमजोर हो जाना है। मतलब क्या होता है इसका, निर्लज्ज हो जाना, है ना। हाँ, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा थ्री इडियट्स में, बोलता क्या है, क्या बोलता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है ना। तो चलिए, तो आप लोग के मित्र कैसे हैं पूछिएगा अपने दोस्तों से। 24 नंबर, थाली का बैगन अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन होना। जल्दी से देखिएगा 24 नंबर का उत्तर क्या मिल जाएगा। इसमें हो जाता है कि बिना थाली का, मतलब थाली में अगर बैगन रख दोगे तो क्या, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, तो इसका मतलब कोई सिद्धांत नहीं है। 25, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब देखिएगा, संभल कर न चलना, गगरी का ढक्कन बंद न करना, अपनी बात की प्रशंसा करना, अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। इसमें क्या मिलेगा 25 नंबर में, तो इसका उत्तर क्या मिल गया कि ज्ञान कम है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर लेना, अधजल गगरी छलकत जाए। और 9-2-11 हो जाना, इसका मतलब क्या है, जल्दी से देखिए, 9-2-11 होना इसका मतलब है तुरंत भाग जाना, ठीक है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। यहाँ पर आंसर मिला सी, एक पंथ दो काज, 27 नंबर। एक पंथ दो काज के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे कि यार एक ही समय में दो दो काम हो रहा है। जैसे आप लोग का बीच बीच में पढ़ाई भी कर रहे हैं और बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोग का मनोरंजन भी कर देता हूँ, ऐसे थोड़े मोटे छोटे मोटे चुटकुले टाइप के, है ना, दे दे के आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जा रही है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं, एक पंथ दो काज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया। हाँ, क्या हो गया जल्दी से बताइएगा, लोभी होना नहीं, बहुत लाभ उठा रहा नहीं, कम काम से दोहरा लाभ, ठीक है ना। आगे देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, 28 नंबर। 27 का उत्तर मिल गया, 28 का नंबर देखिए, ठीक है। 28 का जल्दी से बताएंगे, नेकी कर दरिया में डाल, है ना। हाँ, न क्या होता है, वृक्ष न कबहू फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। किसी का उपकार करके भूल जाना, कि अगर तुम किसी का उपकार कर रहे हो, नदी कभी कहती है कि मैं तुमको पानी पिलाती हूँ, तुम मुझे साफ रखो, है ना। अभी तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसका ध्यान रखा करें, पर्यावरण का ध्यान रखा करें, सभी लोग ध्यान रखा करें, ठीक है। कोशिश किया करें कि कूड़े को डस्टबिन में ही डालें, है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स को इधर उधर ना फेंकें, मास्क जो लगाते हैं, मास्क में भी जो स्ट्रिप्स होती हैं वे भी बड़ी खतरनाक होती हैं, जो प्लास्टिक वाली चीज़ें से बनी होती है, तो उनको भी थोड़ा अच्छी अच्छी जगह पर, मतलब डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। 29 नंबर, निक्की और पूछ पूछ, इसका मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी, बहुत बढ़िया। 29 में, अच्छे कार्य के लिए आशा की आवश्यकता नहीं होती है। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब न सावन में हरा है न भादो सूखा है, यानी हमेशा एक जैसा है, यानी हमेशा एक जैसा रहना, सदैव एक सी स्थिति रहना। ठन ठन गोपाल, इसका मतलब क्या है कि ठन ठन गोपाल, एकदम में से खाक लाल है, खोखला है ना। क्या होता है कि जब कोई चीज़ खोखली होती है तो उसको ऊपर से पीटो तो कैसा आवाज़ आती है, ठक 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 करके, है ना। जैसे कोई भी ऐसे होता है, जब आप जानते हो घुन उन लग जाता है ना, तो उसको अगर पीटो, जैसे कोई लकड़ी वकड़ी है उसमें घुन लग जाता है तो उसको पीटोगे तो आवाज़ आएगी, तो मतलब क्या है, खोखला। कौड़ी को ना पूछना, 32 नंबर, इसका मतलब क्या मिल गया, इसका मतलब हो गया निकम्मा समझना, ठीक है। आगे, जाके पाओ न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जल्दी से देखिए, अब भैया देखो, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, ठीक है। हाँ, जिसके ऊपर पड़ेगी वही जानेगा, बाकी और कोई जानेगा नहीं, ठीक है। कि जिसका पैर टूटा है वही समझेगा कि पैर का दर्द क्या होता है, ठीक। अगला देखो, 34 नंबर, क्या कह रहा है, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होगा। जल्दी से देखो, कलम तोड़ने का अर्थ, क्रोध दिखाना, बहुत सुंदर लिखना, भद्दी चीज़ें लिखना,
बहुत मेहनत करना, 34 नंबर। इसमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कलम तोड़ के ले आए। एकदम कलम तोड़ दियो यार तुम तो, है बोला जाता ना ऐसे। देखो अगला, देखो 35 नंबर, कौड़ी को ना पूछने का अर्थ क्या है? मदद न करना, निमंत्रण न देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचना। 35 नंबर, जल्दी से देखिएगा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये हमने अभी भी डिस्कस किया। गाल बजाना, कह रहे गाल बजा दिए यार एकदम, हैं हाँ, कैसा ऐसा कंटाप मारा है, गाल बजा दिए। एक तो वो हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे डिंग हाँकना है ना, कहते गाल बजा दिया मतलब एकदम डिंगे हाँक रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिंग हाँकना। 37 और 38, जल्दी से देखिए, घुटने टेक देना, कहते हैं यार घुटने टेक दिए, अब हम तो घुटने टेक दिए, अब हमसे ई परीक्षा ना पास हुई, ठीक, अब हम ई परीक्षा ना पास कर पाऊ, घुटने टेक दिए। 37 नंबर, इसका उत्तर क्या हो गया, मतलब हार मान लेना, ठीक है, हाँ, जब हार मानना हो सीधे याद रखिए कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, ठीक। पापड़ बेलने का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके से मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तो पापड़ बेलने का मतलब क्या हो गया कि बहुत मुसीबत उठाकर मैंने तुम लोगों को पाला पोसा है ना, नदी तैर कर हम जाया करते थे, 10 किलोमीटर लंबी नदी थी, उसको तैर करके जाया करते थे स्कूल, कान का कच्चा होना, अगरबत्ती की लाइट में हम लोग पढ़ाई किया करते थे, कान का कच्चा होने का मतलब बताइएगा। 39 नंबर, जल्दी से देखिए, कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, दूसरों की बात न मानना, यहाँ पर क्या हो गया कि सुनी बात पर विश्वास कर लेना। 40, 19-20 होने का मतलब बताइएगा जल्दी से, 19-20 कब होता है, बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना क्या, अरे बस 19-20 का अंतर है, जैसे ये जैसे जैसे माला वैसे काला, ठीक है, तो माला काला, 19-20 का अंतर है, तो क्या बोलते हैं, बहुत कम अंतर होना। तो यहाँ पर क्या मिला 40 में, 40 में मिल गया ऑप्शन नंबर पहला। देखो एक चीज़ यह है कि जितने भी यहाँ पर मुहावरे देख रहे हैं आप लोग, ये सब आपकी परीक्षाओं में आए हुए मुहावरे हैं, ठीक है, इनको एकदम ध्यानपूर्वक मनोरंजन के माध्यम से, चाहे रट के माध्यम से, चाहे समझ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। पानी न मांगने का मतलब क्या है, पानी न मांगने का मतलब क्या है कि एकदम में ख़त्म हो जाना, ठीक है, ऐसा मार दिया कि पानी भी नहीं मांगा, मतलब एकदम से ख़त्म हो गया तुरंत है। 42 देखिएगा, कलेजा होने का मतलब क्या मिलेगा भैया, कहते हैं बहुत कलेजा है तुम्हारा, है कलेजा होने का मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, इसका देखिएगा। 42 में आंसर मिला बहुत ज़्यादा हिम्मती हो जाना, भाई बहुत कलेजा है, एकदम हिम्मती है। अगला 43 नंबर, घर बसाना इसका मतलब क्या है, कि घर बसाना, कहते हैं घर वर बसा लो, है ना, तो कहते हैं नहीं कुछ लोग कि घर वर बसा कि नहीं, या तुम्हारा घर बसेगा, तो घर बसाने का मतलब क्या हो गया, विवाह हुआ है कि नहीं, वो ये पूछना चाह रहा है, उसको बोल दो कि अपने काम से काम रखो, ठीक है, हाँ, तो घर बसाने का मतलब क्या है कि विवाह करना, कोई पूछे तो ही बोल दिया करो, अपने काम से काम रखो। तो 43 में क्या मिल गया, विवाह करना, ठीक, आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी। अब देखो भैया, आज हम लोग 43 तक पढ़ते हैं, इसका पार्ट टू तब आएगा जब हमने बोला था कि आप 2000 से प्लस लाइक कर देंगे। देखो मैंने अभी आप लोग को कल विलोम शब्द पढ़ाया था, विलोम शब्द के 98 क्वेश्चंस, उसमें मैंने 1500 की लाइक की मांग की थी, अभी तक उसमें आप लोगों ने शायद कंप्लीट करने वाले हैं, लगभग लगभग हो गया है, तो अभी उस पर देखा नहीं, उसको जाके कंप्लीट करिए, तो विलोम शब्द का दूसरा भाग लेके आए, और मुहावरे का दूसरा भाग के लिए आपको 2000 लाइक पूरा करना है। जितने भी लोग देख रहे हो लाइक का बटन दबाओगे, अब ऐसा मत समझ लेना कि अरे कोई आएगा कर देगा लाइक, भी बाद में हम वीडियो देख लेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, तो मैं वो लोग लाइक करो, ठीक है। चलो बाकी मैंने बोला है मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, तद्भव तत्सम हो, मैंने एक सीरीज यहाँ पर खोल दी है, रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पर एक सीरीज मिलेगी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, जिस चीज़ में ऐसा लगेगा कि इसको मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए, समझ में आएगी, उसको मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस पे लगेगा बहुत सीरियस होना चाहिए वहाँ पढ़ाएंगे, मतलब जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद जैसा हो तुम लोग पढ़ पाओगे वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें पढ़ाएंगे बहुत सॉलिड पढ़ाएंगे, चीज़ याद रखना, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत सॉलिड है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों को अगर हमारी हिंदी की पुस्तक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ये हमारी हिंदी की किताब है, जिसको भी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर मंगा सकता है, होम डिलीवरी फ्री रहती है, सिर्फ किताब का चार्ज देना होता है, आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट एकदम, है ना, हाँ, MS डायरेक्ट प्लस, यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, और हमारा हाँ हर सब्जेक्ट का हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग कोर्स भी निकालते हैं, तो आप लोग अपने कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए भी इस नंबर पर
पूछ सकते हैं मैसेज करके। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।